सुफियान, आपको मैं कर रही जी हूँ अनम्यूट, करें अपने आप को। जी सिस्टर निमरा जरीन, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया था? जी निमरा जरीन मेरा बेटा, हैंड रेज करो, हो गया क्लियर? जी मैम क्लियर है। हाँ ओके, चलें, गुड और हो कुछ तो गया। नहीं पूछना? नहीं मैम जी, ये सुफियान मैं जट उसको कर इनका रही हूँ क्वेश्चन है। सुफियान बेटा, मैं आपको कर रही हूँ आस्क टू अनम्यूट, अपने करो इसको अनम्यूट करो। मदिया सफर, जी मदिया जफर, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने ये पूछना था कि जैसा कि मैंने मरिंगा के कैप्सूल आपसे परचेज किया कंपनी से, तो हाँ वो जी, मैंने यूज करवा लिए हैं घर में। हाँ हाँ जी, उसके मतलब कि मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं और हाँ जी, मतलब कि उसका मुझे फायदा हुआ, उसके बाद क्या करना है? मतलब आप ज्वाइनिंग लेके फिर आपने मोरिंगा के कैप्सूल जो है वो यूज करवा लिए, उससे आपको क्या होगा कि आपका ये बेनिफिट आपको मिलेगा ना कि एक तो आपकी प्रोडक्ट जो होगी, आपकी वालदा यूज करती हैं तो आपके मोहल्ले में और लोग भी होंगे, उनको भी वो बताएंगे कि ये चीज है और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो जी ले मैम, ले, उनके उनके जोड़ों में दर्द है तो उनके साथ और भी बहुत सारी औरतें होंगी जिनके जोड़ों में दर्द होगा, तो वो बताएंगे कि भाई ये मेडिसिन जो है ये मेरी बेटी की एक कंपनी में काम करती है, वहां से है प्रोडक्ट, मेडिसिन हर्बल फूड सप्लीमेंट्स है, तो आप लोग भी यूज करके देंगे। तो इसी तरह वो लोग भी आपको कहेंगे बेटा हमें भी मंगवा के दो, क्यों उनका ट्रस्ट बना होगा कि ये मतलब आपकी वालदा ने मतलब इसने इन इन्होंने यूज किया है, इस सिस्टर ने यूज किया तो इनको अच्छे रिजल्ट मिले, तो यकीनन मुझे भी मिलेंगे, जो कि हमारी एक मतलब मेंटल मतलब माइंडसेट भी है कि एक बंदे ने चीज ली है उसको अच्छे रिजल्ट आए हैं तो दूसरा बंदा भी
साथ लेगा। मोस्टली अब लड़कियों को देख लो, एक लड़की क्रीम यूज करती है तो दूसरी लड़की कहती है कि इसको तो अच्छे रिजल्ट आए, मुझे भी आए, मैं भी यही लेती हूँ। तो उस तरह वो क्या हो रही होती है, वो एक पब्लिसिटी हो रही होती है, और उस तरह वो हो रही होती है कि एक क्वेश्चन है आपका, हाँ जी, इस तरह फिर वो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं एक चीज की आपके। बाकी आप अगर ज्वाइनिंग लेके आते हैं तो आपको हम पहले सिखाएंगे, सिखाएंगे और इस यकीन के साथ, इस एतमाद के साथ सिखाएंगे कि आप आगे कामयाब होंगे, क्योंकि आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी होती है। क्योंकि जो अपलाइन होती है वो जब तक डाउनलाइन को कामयाब नहीं करती तब तक वो खुद भी कामयाब नहीं है। यहाँ पे ऊपर वाले पर्सन का नीचे वाले के साथ जुड़ा हुआ था सिस्टम, तो ये चीज है। फिर आपकी पब्लिसिटी होगी, फिर आपको आप उन प्रोडक्ट्स को जो है वो अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहती हैं तो आप नेटवर्किंग के साथ साथ प्रोडक्ट भी सेल कर सकती हैं, मतलब डबल बिजनेस हो जाएगा आपका जी। और मैम ये अगर देखे ना, मैंने ये कैप्सूल परचेज करना है, अभी मैं करूंगी कैसे ये? मैम आप जो ज्वाइनिंग लेंगी ना, ये सर राना अफजाल साहब हैं, इनके साथ ज्वाइनिंग लेंगी ना तो जी। या फिर आप ये मैम कोसेन ज़ारा के साथ ज्वाइनिंग लेंगी तो आप अकाउंट बनाएंगी, आपका अकाउंट क्रिएट होगा जी। सर बोल दो जी। सर जी सिस्टर, बात यह है कि जब आप ज्वाइनिंग करेंगी तो आपको जो है वो एक आईडी दी जाती है, और उसके बाद आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जिसके थ्रू आपने ऑर्डर लगाना है। अपनी आईडी से ही आप ऑर्डर लगाएंगे, एड्रेस देंगे, प्रोडक्ट्स आपको घर आ जाएंगी जी। सर ठीक है। ये मैम कोसीन ज़ारा को जरूरत नहीं थी बिजनेस की, लेकिन उसने आप लोगों के लिए ये बिजनेस ज्वाइन किया है। उनकी तो जॉब है ऑलरेडी, वो तो अच्छा खासा ऑलरेडी अर्न कर रही है, लेकिन उन्होंने सोचा चले जो लोग मेरे साथ एंगेज हैं उनको भी जो है वो मुझसे कुछ बेनिफिट्स हो जाएं। जी सर ठीक है। आजकल के टाइम में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, किसी को अगर ये कहता है कि जी मेरी जिंदगी बहुत तेजी से चल रही है और 3,000 लगाए हैं वेस्ट हो गया तो जिंदगी अचानक रुक गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये 3,000 रुपए बहुत नॉर्मल है जिससे आपको बहुत ज्यादा स्किल्स मिलेंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छी अर्निंग मिलेगी। ये मैम अदीला मलिक आपके सामने है, इन्होंने एक महीने के अंदर 22,000 से 25,000 अर्न किया एक महीने के अंदर, और लगाए कितने थे 3,000 रुपए जी। तो सर ये हम मैम कोसीन के साथ बिल्कुल स्टूडेंट पैकेज है 3,000 रुपए, तो ये तो बिल्कुल रफ पैकेज है 3,000 रुपए। आप जो है वो अगर आप स्टूडेंट पैकेज में सिलेक्ट करते हैं तो फिर 7K ले, आपको प्रोफेशनल अगर बिजनेस का जो है वो चाहिए पैकेज तो फिर 12-17 ले जी। बोले जी सर, ये मैम कोसीन के साथ अब हम करें अपना स्टार्ट। हाँ जी हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप मैम कोसीन के साथ कांटेक्ट करेंगी, वो आपको ज्वाइन करवा देंगी जी। ठीक है, थैंक यू जी। आप जी मैम बाकी और भी किसी का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें। एक भाई जो है थे आई थिंक, उनको भी आप क्वेश्चन ले लें। उनका नाम पता नहीं किधर चला गया है, उसको अनम्यूट ही नहीं करना आ रहा आई थिंक। वो इन्होंने फर्स्ट टाइम ज़ूम यूज किया है ना, बाकी ये तो बच्चे इन्होंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। ये दोबारा जो आपने लिंक दोबारा से जब ज्वाइन किया गया ना लिंक पे, तो फिर वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। मैं भी कोशिश कर रहा था अनम्यूट होने की लेकिन हो नहीं रहा था। वो दोबारा से एक बार मैंने ज्वाइन किया है लिंक लीव करके, फिर मेरा वो अनम्यूट हो गया। उसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो बता दे, बाकी तो तमाम लोग आई थिंक या इंटरेस्टेड नहीं है या इन तमाम लोगों को समझ आ गया। बेटा बताए, कोई तो रिस्पॉन्स दे। मैम मेरा क्वेश्चन है जी। जी मैम, जो हमने ज्वाइनिंग करनी है यानी कि 3,000 के पैकेज से करनी है या 7,000 से, तो हम जस्ट वही पे करेंगे या और भी हम ज्वाइनिंग के लिए कुछ पे करेंगे? आप और प्रोडक्ट के डिलीवरी चार्जेस होते हैं, प्रोडक्ट के डिलीवरी चार्जेस अलग होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पे करना, सिर्फ प्रोडक्ट के डिलीवरी चार्जेस। अगर आपका 3,000 का पैकेज है तो 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस है, 7,000 का पैकेज है 250 रुपए है, 12,000 का पैकेज है 300 रुपए है, और 17,000 का पैकेज है तो 350 रुपए है, क्योंकि वेट बढ़ता जाता है प्रोडक्ट का और डिलीवरी चार्जेस हर जगह पे अलग होते हैं। आप अमेज़न दराज पे भी कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी चार्जेस आप लोगों से प्रोडक्ट के अलग लिए जाते हैं जी। उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ ये चार्जेस हैं आपके। जो हमने पैकेज लेना है बस उसी के साथ ही हमारी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल जी। ठीक है जी बिल्कुल, उसी के साथ ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे लेकिन डिलीवरी चार्जेस अलग होता है जी। वो ठीक, वो अलग है। ठीक है, मजीद कुछ किसी का क्वेश्चन? बच्चे का था सुफियान का, पता नहीं अब क्या उसने क्वेश्चन करना है। वो भी कह रहा है अभी 4-5 मिनट हो गए हैं, 40 मिनट की जूम है और फिर जो है वो कोई हैंड रेज नहीं कर रहा क्वेश्चन के लिए।
बेटा सारे इस तरह बैठे हुए हो जैसे या तो बहुत समझ आ गई है या तो फिर कुछ समझ नहीं आई है या फिर करना ही नहीं चाह रहे हैं। सुफियान जट है, इनको आप अनम्यूट कर दें प्लीज। ये चौधरी सुफियान जट है, कांडी इनको अनम्यूट कर दें। ये दान बच्चे ने भी किया है क्वेश्चन। जी अदनान वालेकुम सलाम बेटा। इतनी मैम क्वेश्चंस थोड़े बहुत हैं, वो मैं कह रहा था मॉन को सीन से ना पर्सनली मिलके डिटेल में पूछ लूंगा और समझ लूंगा। तो यहां पे नहीं पूछ रहे मैम, आप ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हैं? हाँ जी ये रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, मुझे पता है तुम लोगों का। वही सारा लेक्चर नहीं लिया इसलिए समझ नहीं लगी क्या कह रही आपने। नहीं बेटा इतना मतलब क्या समझ नहीं लगी? मैंने लास्ट से ज्वाइन किया है कि पैकेज आपने लेना है। ठीक है लास्ट से ज्वाइन किया है, चलो कोई नहीं मैं इसको शेयर कर दूंगी। लेकिन आप फिर भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो जो मुझसे कर रहे थे क्या करना है क्या है ये वो कर रहे हैं आप? चले वो मैं फिर आपसे कर लूंगा, आप शेयर कर दीजिएगा ये लेक्चर। ठीक है थैंक यू। और कोई बच्चा बदिया जफर अभी भी कोई क्वेश्चन है आपका? जी बेटा समन इसको करें अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम मैम। सलाम मैम, मैंने पूछना था जो हमारे ये हम सीखेंगे तो वो हम ऑनलाइन सीखेंगे या फिर फिजिकल इसका कोई होगा? प्लीज काइंडली ये म्यूट करें अपना। हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछा जी जी मुझे आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर। मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने क्योंकि ये ऑनलाइन वर्किंग है ना तो आपने अपने ही मोबाइल को यूज करके घर में बैठ के जूम मीटिंग और उसके अलावा हम जिस पर्सन को ज्यादा मतलब इश्यूज आ रहे होते हैं तो हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं उनके साथ और गूगल मीट पे हम लोग ये चीजें सेशन लेते हैं और वहां पे उनको सिखाते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग ऑनलाइन वर्किंग का यही तो मेन बेनिफिट है कि आपने अपने घर में बैठ के ही इजहार काम करना होता है, आपको किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ता, किसी ऑफिस में जाके काम नहीं करना पड़ता। तो सारा कुछ आपको हम घर में सिखाएंगे, घर में बताएंगे क्या करना है कैसे करना और कब करना है, बस करना आपने। ठीक है थैंक यू मैम। बेटा आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं रोज, ठीक है आपने उसको अटेंड करना होता है, वो आपके ट्रेनिंग सेक्शन ही होता है। जी मैम। हाँ जी वो बिल्कुल ट्रेनिंग सेशन होते हैं। जी ठीक जी मोहम्मद हसनैन। जी बेटा और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम अगर इसका आपके पास कंप्लीट रिकॉर्डिंग है तो वो तो शेयर कर दें। ठीक है वो मैंने कर ली है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बाकी जिन्होंने सुना है उसका कोई क्वेश्चन है? जी मोहम्मद स्नैन का शायद क्वेश्चन है। हाँ जी वो पूछ ही नहीं रहा, पता नहीं बोल नहीं रहा उनको। जी वालेकुम अस्सलाम मैम जी, ये ट्रेनिंग कितनी देर की होगी? ट्रेनिंग कितनी देर की होगी?
आपकी कौन सा ये वाला सेशन की बात कर रहे हैं या आप बाकी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं जॉब ज्वाइनिंग के बाद? ज्वाइनिंग के बाद इसके अलावा है। अच्छा सर, ये हमारे सेशंस होते हैं तकरीबन 45 मिनट्स के होते हैं सेशन, 45 मिनट का एक, 45 मिनट के, तो दिन में आप एक दो सेशन जो है वो ले लिया करें, तो इस तरह फिर आपकी वो ट्रेनिंग्स हो जाती हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन होते हैं तो वो आप अपने अपलाइन से डायरेक्ट भी जाके पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये तो लाइफ टाइम साथ चलती रहती है, मीन लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी चलती रहती है। लर्निंग तो फिर आप सीखने की उम्र तो कोई नहीं होती, आप जब तक सीखते जाएं, और जो फुली आप ट्रेन हो जाते हैं, जो मतलब एक चीज को पिक कर लेते हैं, वो आप 2 से 3 दिन में कर लेते हैं अगर आप अच्छे तरीके से फोकस करके करें। 1 वीक आपको लगता है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैंने ये पूछना था कि 3000 में हमें सिर्फ सिखाएंगे या हमें इसमें साथ साथ में पे भी मिलेगी? जी सर अफजाल बता रहे। मुझे इनके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, ये क्या कह रही हैं? ये कह रही है कि 3000 में सिर्फ सिखाएंगे या हमें पे भी साथ मिलेगी, तो यहाँ क्लियर करने के लिए एक बिजनेस प्लान है। ये खुद पे डिपेंड होता है, ये पे नहीं होता। यहाँ सीखेंगे, सोशल मीडिया पे वर्क करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, 3000 में स्किल्स आपको देंगे कि वर्क आपने कैसे करना है, मार्केट में परफॉर्म कैसे करना है। बात है ना बेटा आयशा, पैसे हलाल करने हैं ना, हमने कौन सा ऐसे मुफ्त में खाना है? ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है ना कि आप फिक्स पैसे लगा दें और फिक्स आपको आते हैं। ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये रियल बिजनेस है, ये सेल्स एंड मार्केटिंग है, जहाँ पे आपको मार्केटिंग की स्किल्स मिलेंगी। स्किल्स मिलेंगी, उसके बाद हम सीख के ये खुद से करेंगे, फिर आपके साथ नहीं, टीम के साथ करेंगे। फिक्र नहीं करो, हमने लोगों को ज्वाइन करवाना है। हाँ जी, और वो आप लोगों ने ज्वाइन कैसे करवाना है वो हम बताएंगे, हम सिखाएंगे। आपने लोगों को जा जाके खुद नहीं कहना, बल्कि आपको हम इस तरह से सिखाएंगे सोशल मीडिया का यूज करना, इवन दैट हम आपको व्हाट्सएप यूज करना सिखाएंगे कि व्हाट्सएप किस तरह यूज की जाती है, और लोग आपके पास खुद आएंगे, लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे, ना कि आप लोगों की तरफ जाएंगे। आप किसी भी पर्सन को नहीं कहेंगे, लोग आपको कहेंगे कि ये क्या काम कर रहे हैं आप, हमें भी बताएं, हमें भी सिखाएं, हम भी लाइफ के अंदर कुछ स्टैंडर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, तो लोग आपके पास आएंगे, आपने नहीं जाना। ये नेटवर्किंग की एक बहुत ही खूबसूरती है कि जिसमें बिजनेस के अंदर आप लोगों की तरफ नहीं जाते, लोग आपकी तरफ आते हैं। नेटवर्कर जो होता है वो एक छोटी सी मिसाल में कहते हैं कि वो मशवरा भी, आपने मशवरा देना लोगों को, आपको क्योंकि आप आके जब सीखेंगे तो आप एक बिजनेस कंसल्टेंट बनेंगे, आपने लोगों को बिजनेस के रिलेटेड मशवरा देना है। ठीक है मैम, थैंक यू। जी सर स्नैन, काइंडली पूछें आपका क्या क्वेश्चन है, आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटा जरा माइक को पास करो और ऊंची बोलो। सिस्टर आयशा आता को क्वेश्चन है, काइंडली उनको अनम्यूट कर दें। यस्नैन भाई को आप म्यूट कर दें प्लीज, इनकी आवाज नहीं आ रही, ये बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही उन तक। जैसे हवा में बैठा हुआ। जीन को म्यूट कर दें और सिस्टर आयशा आता है, काइंडली इनको अनम्यूट कर दें। मैंने किया है। आयशा आपका कोई और क्वेश्चन भी है अभी? जब क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो हैंड रेज को खत्म कर दिया करें, फिर हम जो है वो बार बार ये सोचते हैं कि एक ही पर्सन क्वेश्चन किए जा रहा है, बाकी लोग भी बैठे हैं काफी सारे, ये काफी सारे मेल ब्रदर मेरे बैठे हैं, इन्होंने कोई जो है वो क्वेश्चन नहीं करना, या तो ये मुकम्मल सीख चुके हैं या बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर गया है। जी अब्दुल वहाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी?
जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने पूछना ये था कि अगर हम एक प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको यूज करते हैं, हम एक माह गुजर गया है, यानी कि हम एक माह यूज करेंगे तो उसके पता चलेगा हमें क्या बेनिफिट है, तो जो हमने पर्सन को साथ में लेके आना है यानी जो पेयर बनाना है उसके लिए कोई है कि एक मंथ में लेके आने आपने अगला बंदा जो नहीं नहीं आप फॉरन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप पेमेंट सेंड करते हैं आपकी आईडी एक्टिवेट होती है, आप फॉरन अपने साथ पर्सन अटैच कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट का यूज करने का वेट करें। जाहिर सी बात है बहुत सारी प्रोडक्ट हर बॉडी पे अप्लाई नहीं होती, हर बॉडी पे अच्छे रिजल्ट नहीं होते। जी हाँ, इनका ये होगा कि साइड इफेक्ट नहीं होंगे आपको इनके, जी मैं यूज यही पूछ करेंगे रहा था ना आपको अच्छे कि बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर अगर एक माह में हम नहीं लेके आ सकते या 2 माह में कोई नहीं हमें ज्वाइन करता तो उसके लिए कोई है लिमिट कोई के? बाउंडिंग नहीं है, कोई बाउंडिंग नहीं है, आप 1 माह काम नहीं करते, 2 माह नहीं कर सकते, 3 माह नहीं कर सकते, 1 साल नहीं कर सकते, कोई बाउंडिंग नहीं है। जी सर, लेकिन जब आप सीखेंगे, कोशिश करेंगे सीखने की, आपको आपके पास स्किल्स आ गई तो फिर इनशाला वर्किंग आपकी स्लो नहीं होगी, फिर अच्छी होगी वर्किंग। और आप मैम कोसीन जारा के साथ जितने भी लोग ज्वाइन होंगे उनको ऑटो स्पेल भी मिलता जाएगा, उन लोगों को अच्छी टीम मिलेगी, हर पर्सन एक दूसरे की डाउन में लगता जाएगा, हर पर्सन एक दूसरे की डाउन में लगता जाएगा, अच्छा जी खासा ऑटो स्पेल मिल जाएगा। 2 पर्सन लगाने होते हैं, एक मैम की तरफ से अगर मिल जाता है तो 1 पर्सन तो कोई भी लगा सकता है, जी और पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा मेंबर मेरे ख्याल में तो नहीं है जो कहे कि मुझे 2 लोग नहीं जानते, और अगर उसे 2 लोग नहीं जानते तो उसके लिए फिर लम्हा फिक्रिया है। जी सर, मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि उसके लिए ऐसे ना कि अगर हम प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे तो हमें उसका पता चलेगा, फिर अगले बंदे को बंदा गाइड करता है कि इसमें ये बेनिफिट है। ब्रदर बात ये है कि बिजनेस में कुछ जो है वो अलग माइंडसेट के लोग आते हैं, कुछ लोगों को हेल्थ की नीड होती है, कुछ को फेम की नीड होती है, कुछ को अर्निंग की नीड होती है, हर बंदा प्रोडक्ट नहीं लेता होता, हर बंदा जो है सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं आता, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जो है वो इसको ज्वाइन करने के जो है वो कुछ अपनी जो है वो सोच होती है कि हमने करना क्या है यहाँ जाके। लोग आरओआई बेस्ड में इन्वेस्टमेंट प्लान में जाके जो है वो 1-1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 3,000 में प्रोडक्ट भी मिलती है, बिजनेस भी मिलता है, फिर बंदा ये कहे कि जी प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आए और मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, तो भाई इन्वेस्टमेंट करके भी तो बिजनेस करते हो आप लोग। मार्केट में देखे फिजिकल कारोबार करते हैं लोग, लाखों लगा के कारोबार करते हैं, तो उनको भी नहीं पता होता बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन वो एक होप होती है अल्लाह पाक अल्लाह है, तो जी सर थैंक यू सर, है एक बड़ी बात नहीं है। ठीक, हम भी आप जैसे यार नॉर्मल इंसान है, हमारी कोई जाहिर सी बात है, हम कोई जो है वो अलग से कोई नहीं है कि अल्लाह पाक ने हमें को अलग से कुव्वत दी हुई है कि हम जो है वो दुनिया को जो है वो डील कर रहे हैं, हम आप जैसे नॉर्मल इंसान है, और आप हमने बस ये थोड़ा सा सीखा है समझा है कोशिश की है सीखने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा जो पे आउट है वो 1 लाख+ बनता है 1 महीने का, और 1 साल हुआ है परफॉर्म करते हुए। आप खुद सोचें, आप यूनिवर्सिटी लेवल में है अभी, आपके 2-3 साल अगर आपके रह गए हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप उस सिस्टम आप इस सिस्टम को पार्ट टाइम भी लेके चलते हैं तो आपके पास 3 साल हैं, 3 साल के बाद जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपको जो है वो अपनी डिग्री ड्रॉप नहीं करना पड़ेगी जगह जगह जॉब के लिए। जी सर थैंक यू सर, मेरे खुद जो है वो क्वालिफिकेशन मास्टर है, लेकिन मैं जॉब के लिए अप्लाई नहीं करता, मुझे जॉब से अच्छे पैसे यहाँ पे मिल रहे हैं, और वो भी फ्रीडम इतना है कि मैं घर बैठे जो है वो काम कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल में ये इससे बड़ा कोई बेनिफिट हो नहीं सकता। जी मैम, सादिया इफ्तखार एंड सिस्टर, इनको काइंडली अनम्यूट कर दें। वालेकुम सलाम सिस्टर, आपकी वॉइस कट रही है, आपकी वॉइस कट रही है, काइंडली आप जगह थोड़ी सी चेंज करें ताकि हमें क्लियर आपकी वॉइस आए। आपने कहा ना कि लेते हैं जी प्रोडक्ट, हम लेते हैं आपसे जी, और हम उसमें अपने साथ एक किसी को पेयर बनाते हैं, लाइक हम किसी को किसी पर्सन को अपने साथ इन्वॉल्व करवाते हैं, तो हम उसको कैसे करवा सकते हैं अपने साथ इन्वॉल्व? देखें कंपनी का मार्केटिंग प्लान शेयर करेंगे, वो मार्केटिंग प्लान चेक कर लेता है, कोई क्वेश्चन है तो फिर आप हमसे पूछ लेंगे, आपका तमाम लोगों का ग्रुप बना हुआ होगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा हम क्लियर करेंगे, तो बात है वो ज्वाइन करना चाहेगा तो वो पेमेंट सेंड करके अपनी आईडी लगा सकता है, विद इन सेकंड्स आईडी लग जाती है। मजीद कुछ क्वेश्चन अगर किसी का है तो वो पूछ लें। मोहम्मद हुसैन का है जी, इनको कर दें अनम्यूट कर दें प्लीज।
तो अपना माइक करो, अनम्यूट। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर। सर जी। जी जी सुन रहा हूँ। क्या एक दो माह ज्वाइन करने के बाद हम इसे छोड़ भी सकते हैं? ब्रदर अगर अच्छे पैसे आ रहे होंगे तो इंशाल्लाह आप कभी छोड़ेंगे नहीं, अगर नहीं आ रहे होंगे, आपने स्ट्रगल नहीं की, मेहनत नहीं की, तो आप मेरे ख्याल में स्टार्टिंग में ही चले जाएंगे। नहीं, अगर जिसकी अच्छी टीम बन जाती है, जिसकी अच्छी अर्निंग आ जाती है, वो छोड़ के जाता नहीं होता। हाँ, अगर आप कुछ टाइम के लिए स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपकी आईडी है हमारे पास पेंडिंग पड़ी होगी, आप 2 महीने स्किप करके जाते हैं या 1 साल के बाद भी वापस आते हैं काम करने के लिए, आपकी आईडी उसी तरह पड़ी होती है। चलें ठीक है, शुक्रिया। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी जो अर्निंग वगैरह होगी वो हमारी टीम पे डिपेंड करेगा या नहीं, कितना नेट जी? आपका क्वेश्चन, आपकी वॉइस कट रही है, काइंडली दोबारा से पूछिएगा। मैंने ये पूछा है कि हमारी जो अर्निंग होगी वो हमारी टीम पे डिपेंड करेगी, यानी जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितने ज्यादा लोग। जाहिर है ब्रदर, आपकी डाउन में कुछ पर्सन होंगे, ये सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है। आपकी डाउन में सेल क्लोज होगी तो कंपनी आपको कमीशन देगी। सही। ओके। जिसने करना होता है वो अपने साथ कम से कम, ये तो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कम से कम 2 लोग तो किसी को जानते ही है ना, तो 2 लोग तो हर पर्सन अपने साथ लगा सकता है। और ये अगर आप एक पैरामीटर पे चलते हैं सिर्फ 2 लोगों को लेके, तो आपका जो नेटवर्क है वो 1 साल के अंदर इतना ग्रो कर जाता है कि आप जो है वो बड़ी अच्छी अर्निंग कर जाते हैं यहाँ से। जी ठीक है सर। ये बच्चे ने ना, सुफियान ने मैसेज टाइप किया है, तो वो ये क्वेश्चन करना चाह रहा है आपसे की है। मैं देखता हूँ सर अफजाल, आपसे क्वेश्चन है कि मेरे बहुत से दोस्त हैं, वो इंटरेस्टेड तो हैं, बट नाउ डेज कंपनीज फ्रॉड हो रहा है, इफ यू डोंट माइंड इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें ताकि हम उन्हें गाइड कर सकें, हमारे पास नॉलेज हो। आप ब्रदर देखें, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आप कंपनी को चेक कर लें FBR पे जाके, आपको जो है वो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कंपनी के, जो रजिस्टर्ड हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। FBR पे जाके उसका NTN नंबर आप पुट करेंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा कंपनी टैक्स पेयर है या नहीं है। वीडियोस हमारे पास पड़ी हैं, प्रूफ्स हमारे पास हैं अर्निंग के। उसके अलावा देखिए, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखें वो कंपनी रिलेट किससे करती है। अगर कंपनी रिलेट करती है ई कॉमर्स से, तो ई कॉमर्स की हिस्ट्री उठा के चेक कर लें, अमेजोन, दराज, अलीबाबा, JD.com, फ्लिपकार्ट, ये कंपनी कब से चल रही है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आज तक कोई गई नहीं है, स्कैम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में नहीं हुआ करता, ROI में होता है या साइट्स में होता है जिन पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनमें आपको रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा होता। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए भागने के लिए बचता क्या है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे, जो कंपनी आपको 3,000 के पैकेज में प्रोडक्ट भी दे रही है, आपके सीनियर अप्लायन को कमीशन दे रही है, उसके अलावा उनके अप्लायन को कमीशन दे रही है, तो कंपनी के पास क्या बचता है कि कंपनी भाग जाएगी। और कंपनी के 8 प्रोजेक्ट हैं, और कंपनी ने इस्लामाबाद में यूनिट बनाए हुए इकोनेक्स प्रो के, इकोनेक्स प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए के 2 से 3 यूनिट बनाए हुए कंपनी, वो कंपनी क्या मतलब सर पे उठा के भाग जाएगी, वो यहीं पड़े हुए हैं सारे। और जिस बंदे को बिजनेस पे बिलीव करना है, वो बंदा कहता है जी मैंने बिलीव करना है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तो 3,000 की ज्वाइनिंग है। अगर वो कराची में बैठा है तो इस तरह करे कि वो 5-7 हज़ार रुपए किराया लगा के रावलपिंडी चला जाए, कंपनी के हेड ऑफिस विजिट कर रहा है। ये सोच पे डिपेंड होता है ब्रदर, बात ये कि स्कैम फ्रॉड नहीं हुआ करते, कंपनियां स्कैम फ्रॉड नहीं होती, लोग स्कैम फ्रॉड करते हैं। आपके साथ कोई पर्सन स्कैम कर सकता है, कंपनी स्कैम नहीं करती होती। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की हिस्ट्री आप देख लें, अमेजोन को देख लें, दराज को देख लें, आप जो है वो पाकिस्तान में नेगेटिव 3 चलता हुआ प्रोजेक्ट है टाइम्स, उसको देख लें, वो अच्छे तरीके से चल रहा है, वो नेगेटिव 3 कंपनियां 2002 से चल रही है, 20 साल हो गए चलते हुए, 22 साल अभी तक चल रही है। फॉरएवर को देख लें, आप जो है वो ग्रीन लीफ को देख लें, आप उसके अलावा हर्बल लाइफ को देख लें, आप DXN को देख लें, ये बहुत सारी कंपनीज पड़ी हुई हैं, कंपनीज तमाम चल रही हैं, लोग छोड़ के जाते हैं, कंपनियां छोड़ के नहीं जाती होती। ठीक
किसी और का कोई क्वेश्चन है? अब किसी पर्सन ने ज्वाइन किया और अपने साथ, अब बात है कि किसी पर्सन ने ज्वाइन कर लिया, उसने अपने डाउन में कुछ पर्सन को नहीं लगाया और वो कहता है कि मेरे साथ स्कैम हो गया, तो भाई उसके साथ स्कैम नहीं हुआ, उसने मेहनत ही नहीं की, स्ट्रगल ही नहीं की, स्कैम कहाँ से हो गया भाई? कंपनी हमारे लिए भी तो है, हम भी तो कर रहे हैं। जी सर, थैंक्स। ओके जी, मोस्ट वेलकम, नो इशू ब्रदर, आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह तमाम जो भी क्वेश्चन आपको, जो भी हर्डल्स आएंगी सामने काम के दौरान, इंशाल्लाह वो हमने क्लियर करनी है। कुछ पर्सन के क्वेश्चन होते हैं, कुछ आते हैं डिस्कशन करने के लिए, कुछ आते हैं प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने के लिए, जिन्होंने परफॉर्म करना होता है उनको हम सोल्यूशन देते हैं, जिन्होंने डिस्कशन करना होता है, डिस्कशन के लिए तो टाइम ही नहीं होता ना हमारे पास, क्योंकि डिस्कशन का जो मॉरल होता है वो झगड़ा होता है, तो डिस्कशन करने से बेहतर होता है कि इंसान जो है वो अपना किसी और पर्सन को डील करे। ये क्वेश्चन है मैम, ये प्रोडक्ट आप स्टार्ट करते हैं या आपके सर्कल के लोग जो आपके दोस्त कजन रिश्तेदार होते हैं यही आपको कहते हैं कि आपने क्या कर लिया, हमें भी तमाम चीजें सुनने को मिली हैं, ये आपने क्या कर लिया, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। और अब वही लोग हमसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, लाइफस्टाइल को देखते हैं जब ना, अच्छे कपड़े अच्छे जूते पहनना, अच्छी बाइक हो, तो लोग देखते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, मैं वही काम कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था। लेकिन ये सर्कल के लोग होते हैं जो आपको स्टार्टिंग में आपको जो है वो आके ट्रैक से हटाने की कोशिश करते हैं। फैसला आपका था, पैसे आपने लगाए थे और सुने आप किसी और की कि आपने गलत कर लिया, तो भाई फिर आप जो है वो सही जो काम था उस पर पैसे आप लगवा दें, फिर जो मशवरा देते हैं वो पैसे क्यों नहीं देते? सर अफजाल, ये क्वेश्चन है मैम, ये प्रोडक्ट हम फिजिकली किस तरह रिसीव करेंगे? आपको थ्रू पोस्ट ऑफिस मिल जाएंगे, आप आईडी से ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर आपका जो है वो जैसे अप्रूव्ड होगा विद इन वीक आपके घर एड्रेस पे पहुंच जाएंगे प्रोडक्ट। क्लियर हो गया मलिक मतीन? काफी सारे जो है वो मेल पर्सन बैठे हैं, इनके को क्वेश्चन नहीं है, फीमेल्स क्वेश्चन कर रही हैं और मेल क्वेश्चन नहीं कर रहे। वो फीमेल में ज्यादा पोटेंशियल है ना, उनको उनको काम करने की ज्यादा है, उनको जरूरत ही नहीं है, इन्होंने घर में बैठना है। जाहिर है वो मेल को एक ये भी अथॉरिटी होती है ना कि वो बाहर निकल के जो है वो काम कर सकते हैं, फीमेल्स की मजबूरी होती है, उन्होंने करना ऑनलाइन ही होता है घर बैठ के। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी सर, कि फीमेल जो है ना वो घर में बैठ के काम करती है, ठीक है, घर में बैठ के वो घर का काम भी संभाल रही है, वो ऑनलाइन काम करके अर्निंग भी कर रही है, और जबकि फीमेल जो है वो एक मतलब मेल के साथ रह के, मतलब हस्बैंड है, भाई है, बाबा है, तो फीमेल का खर्चा तो वो भी उठा रहे हैं, लेकिन फीमेल से ज्यादा इस चीज की मेल को जरूरत है, क्योंकि मेल ने एक खानदान चला के ले आना, तो उसके लिए तो एक बेहतरीन इन्वायरमेंट ऐसा वो तो बनाना चाहता है, उसके लिए तो जरूरी है कि वो जॉब के साथ या कोई काम करता है जो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करे जिसमें वो फैमिली को भी टाइम दे सके, उसकी अर्निंग भी अच्छी आए, उसके घर का माहौल भी अच्छा चले, क्योंकि वो एक नहीं दो दो खानदानों को चला के ले आता है। एक फीमेल है, उसने तो घर बैठना, उसने कहना भाई मुझे चीजें ला दें और मैंने तो करना काम, तो मेल का काम है कि उसको इस चीज के अंदर ज्यादा आना चाहिए, बनिस्बत अब फीमेल ज्यादा आ रही है, आपको वीडियो में मिल जाएगा, वीडियो से आईडी क्रिएट करनी है आपने, उसके अलावा यूजर नेम हमें भेजना है आईडी का, पेमेंट भेजेंगी हम, पॉइंट्स लिस्ट करवाएंगे, आपका पैकेज बाय हो जाएगा। आपने सिर्फ मैम को पेमेंट भेजनी है और बाकी मैम आपका करवा लेंगी, मैम को सिंजारा करवा लेंगी आपका, बाकी आप टेंशन ना लें। जिस बंदे को इस चीज का डर है कि हमारे साथ स्कैम फ्रॉड ना हो जाए, तो मैं अपना आईडी कार्ड शेयर कर देता हूं, मैं शहर में ही रहता हूं और 20 साल हो गए मुझे शहर में रहते हुए, तो आपके साथ एक रुपए का स्कैम नहीं होगा। हाँ, अगर आपने खुद अपने साथ स्कैम ना करवाया तो, मतलब ये कि आपने काम किया आपको पैसे नहीं आते, तो फिर तो मैं जिम्मेदार हूँ। अगर आप काम नहीं करते, जस्ट आईडी लगा के छोड़ देते हैं कि जी पैसे आते रहेंगे, तो ऐसा तो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो आप किसी जो है वो क्लास को जो है वो क्वालिफाई करते हैं। अब ये
ये बताया तो था प्रोडक्ट रिसीव करने के चार्जेस क्या हैं, सर ने क्लियर सारा कुछ किया था। अभी क्या आपको क्वेश्चन कर रहे हैं? कोई फिर रिसीव करने के चार्जेस कितने हैं, हर पैकेज के अलग है ना? दोबारा से बता देता हूँ, बता देता हूँ दोबारा से। 3000 के 200 रुपए डिलीवरी चार्ज हैं 3000 वाले पैकेज के, 7 वाले के 250 रुपए हैं, 12 वाले के 300 रुपए हैं और 17 वाले के 350 हैं। चार पैकेज हैं, 200 में मजीद 50 200 के बाद ऐड करते जाएं, आपके चार पैकेज हैं। उसके अलावा एक बात और कि जो पर्सन मतलब पैकेज ले रहे, जी जी बोल रहे हैं, जी मैं मदीला आप बोल रही थी या कोई और बोल रहा था, किसी का क्वेश्चन था वो कर रहा था, पूछते हैं। सेशन ऑन एंड होने से पहले तो तकरीबन जो है वो 60% बैठे थे, अभी तो पर्सन बहुत कम हो गए हैं, दोबारा जब सेशन स्टार्ट हुआ है। या तो वो बहुत ज्यादा हाईफाई है, या तो उनको समझ आ गई, या तो समझ नहीं आई है, या तो बस मेरे डर से आ गए। जो है वो फॉरएवर लिविंग का सेशन ले चुके हैं, आप लोग वहां पे अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ मुश्किल नहीं है आप लोगों को जो है वो छोटी सी अमाउंट लगाना। जी मैम बिल्कुल, आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, मैम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगी, इंटरफेस ओपन होगा, वहां अपने ज्वाइनिंग में जो है अपना कंप्लीट नेम लिखना है, जीमेल अकाउंट लगाना है, मोबाइल नंबर लिखना है, और उसके बाद आपको जो है वो आपने अपना यूजर नेम पुट करना है, जो अपनी आईडी का रखना है, गूगल पे आईडी बनती है, गूगल पे आईडी बनेगी आपकी, ठीक है, ये आपको मैम प्रोवाइड कर देंगी। कोशिश कीजिएगा तमाम लोग, अगर स्टूडेंट पैकेज लेना है तो 7 का लीजिएगा, अगर जो है वो आपने प्रोफेशनल पैकेज लेना है बिजनेसमैन की सोच रखे तो फिर आप 12 या 17 का पैकेज ले सकते हैं। 3K पैकेज बिल्कुल नॉर्मल है, इसका अगर आपने अच्छा पोटेंशियल आप में है, आपने अच्छा परफॉर्म करना है तो इसके आपको आने वाले वक्त में लॉसेज होंगे, लेकिन अभी तो आप लोगों को समझ नहीं आएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है हम तो परफॉर्म कर चुके हैं तमाम पैकेजेस पे। सर क्वेश्चन एक पूछना था कि अगर हम फिलहाल 3K वाला पैकेज ले लें तो हम बाद में ये अपग्रेड कर सकते हैं ना? ब्रदर पैकेज आपका अपग्रेड हो जाता है लेकिन वो कंपनी की मर्जी से होता है, आपकी मर्जी से नहीं। अब आपने परफॉर्म करना है, कंपनी साल में एक बार ऑप्शन देती है पैकेज अपग्रेड करने का, अब हो सकता है वो एक साल के बाद ऑप्शन आए, एक साल में आपकी टीम सिर्फ जो है वो 2-4 या 10% तक तो नहीं रहती ना, आपकी टीम तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपकी टीम में कोई एक अच्छा लीडर आ जाता है वो आपको इतनी सारी टीम बिल्ड करके दे जाएगा कि आपका 3000 का पैकेज फ्लैश आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप फिर इंतजार कर रहे होंगे बैठे कंपनी ऑप्शन कब देती है अपग्रेड करने का, तो बेहतर नहीं है कि इंसान एक ही बार स्टेप ले ले? जब आप 3000 का पैकेज लेते हैं तो आपको 7000 का पैकेज लेने के लिए 0 से दोबारा पैकेज लेना पड़ता है। क्यों? कि 3000 का आपने पैकेज लिया, उसकी प्रोडक्ट आपको मिल गई, आपके जो सीनियर अपलायन थे उनको कमीशन चला गया, वो पैकेज आपका यूज हो गया। अब दोबारा से पैकेज लेते हैं तो 0 से लेना पड़ेगा क्योंकि वो पहले वाला पैकेज आपका यूज हो गया। 17 या 12 वाला लें स्टूडेंट्स, ये ज्यादा बेहतर है। तमाम लोग अच्छा पैकेज अफोर्ड करते हैं, तमाम लोग जो है वो फॉरएवर लिविंग की ट्रेनिंग लेके बैठे हैं, आप लोग तमाम जो है वो मेरा ख्याल में 81 लगाने के लिए रेडी थे और यहाँ आपको 17 या जो है वो 12 बहुत बड़ी अमाउंट लग रही है मेरा ख्याल में। आई थिंक बाकी क्वेश्चन जो है फिर आप लोग जो है ना मुझसे डायरेक्ट कर लें, टाइम भी ओवर होने लगा है। हाँ जी, डेली सेशन प्रोवाइड करेंगे, ये आपकी ट्रेनिंग के लिए होता है बेटा मारुख। जब आप एंटर हो जाते हो, जब आप लोग कंपनी में ज्वाइन हो जाएंगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहां आपको डेली लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जितने भी हमारे सेशन होते हैं डेली लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी बंदा किसी भी सेशन में बैठ सकता है जिसके पास जब भी टाइम फ्री होगा। हमारा 12 बजे भी सेशन है, तकरीबन जो है वो 4 बजे के करीब भी हमारा सेशन होता है, 7:30 बजे भी सेशन है, उसके अलावा 10 बजे के करीब भी सेशन है।